हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मुझे पता है वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है। पहले मैंने वीडियो लास्ट डाली थी दिवाली पर, और उसके बाद 20 दिन बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी श्लोक के बर्थडे की। उसके बाद ये आज वीडियो है और दिसंबर आ गया। आज बहुत अच्छी बात है, एक है आज मेरी मम्मी का बर्थडे, तो मम्मी हैप्पी बर्थडे। श्लोक और उनके बर्थडे में सिर्फ 7 दिन का फर्क होता है। पहले शादी से पहले उनका हर बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया हमेशा, हम दोनों बहनों ने। और शादी के बाद उनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पाता, बट इस बार मेरी सिस्टर वहाँ पर है, मे बी वो मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट कर लेगी। मैं मम्मी को गिफ्ट देकर आ गई हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, मैंने मम्मी को फ़ोन गिफ्ट किया है, क्योंकि वैसे तो उनके पास फ़ोन था और अच्छा खासा चल रहा था, बट उसमें मुझे मतलब मुझे कम से कम, हम लोग जुलाई अगस्त से प्लान कर रहे थे मम्मी को फ़ोन देने की, फाइनली मैंने उनको फ़ोन दे दिया। तो मम्मी को वो गिफ्ट भी बहुत अच्छा लगा। और जो मतलब आज का दिन बहुत अच्छा था, और उनने भी जाकर ऑफिस में सबसे मम्मी की वीडियो कॉल पे बात कराई, उनको बर्थडे विश किया। मेरे भी सारे स्टाफ ने उनको बर्थडे विश किया था। मैंने कल पार्टी भी करी थी स्कूल में सबके लिए। तो पहले तो कुछ रीज़न है जो मेरी वीडियो नहीं आ पा रही, तो उसके जो दो खास रीज़न है, पहला तो ये कि अब मैं डेली स्कूल जाती हूँ, अब मेरा रोस्टर हट गया है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जिस वक्त मैं स्कूल से आती हूँ, मतलब मेरा माइंड इतना डिस्टर्ब हो रखा रहता है, सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है मेरे, और मतलब नंबर ही मेरे माइंड में घूमते रहते हैं। शाम तक मेरे अपने काम भी बहुत ज़्यादा एडजस्ट करके मुझे करने पड़ रहे हैं, तो मे भी शायद बहुत जल्दी मैं मेड भी रखूँ अपने घर में, तो इस वजह से। और जो दूसरा एक रीज़न है वो ये है कि मेरा वेट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उस वेट को मैं कंट्रोल करने लगी थी, और मैंने अब काफ़ी अच्छी अपनी बॉडी शेपिंग कर ली है। जैसे आप देख सकते हो मेरा फेस भी एकदम बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। अभी मैं साइड में एक पिक्चर लगाऊंगी, आप देखोगे ना, सच में आपको यकीन नहीं होगा। वो 23 नवंबर का था, और उस 23 नवंबर के बाद कुछ दिन बाद ही मैंने अपना क्या ट्रांसफॉर्म किया था, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और अगर आपको पूछना है कि मैंने कैसे कम किया, क्योंकि मैंने वर्कआउट अच्छे से किया, डाइट फॉलो की, और डाइट का मतलब ये नहीं कि मैं भूखी रही, ये चीज़ मेरी इतनी मोटी हो चुकी थी ना यहाँ से, अब आप देख सकते हो एक बैलेंस में है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा, ये तो मतलब ये हिस्सा मेरा फूला हुआ था ऐसे करके, तो वो चीज़ मैं कम कर रही थी। इस वजह से और मैं वीडियो नहीं डाल रही थी कि मैं अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर लूँ पहले खुद को, फिर वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा और कर रही हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि आपको मैं बताऊँ कि मैंने कैसे कैसे किया, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा फॉलो नहीं किया। हाँ, मीठा मैंने कम किया, जैसे सबको पता था जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं कि मैं ओवरलोड मीठा खाती हूँ, बहुत ज़्यादा मीठा खाती थी। और मैं जब घर से भी आई थी, तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लगभग 2 से 2.5 किलो रसगुल्ले मैं खाकर आई थी। मैंने मम्मी को बोला था कि मैं दिवाली के बाद डाइट शुरू करने वाली हूँ, वर्कआउट करने वाली हूँ, अब जितना मुझे खिला सको ना आप खिला दो। तो मैंने बहुत वहाँ पे ब्लैक रसगुल्ले खाए थे, और उसके यहाँ पे आने के बाद भी मेरे फ्रिज में वाइट ब्लैक बहुत सारे रसगुल्ले थे, बट सच मैंने उनको टच नहीं किया, मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं खाया। शुगर लेवल अपना कंट्रोल किया, कैलोरीज कंट्रोल की, आधा आधा पौना पौना घंटा एक घंटा वर्कआउट किया, और मतलब और जो टिप है वो मैं आपको बताऊंगी अगर आप लोग बताओगे तो, ठीक है। तो जो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आप लोगों के लिए शेयर करनी है, तो वो ये है कि फाइनली मेरे चैनल पर 2000 सब्सक्राइबर हो गए। यिप्पी, मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और 2-1 दिन बाद ही शायद मेरा चैनल रिव्यू में भी चला जाएगा। कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। जो टारगेट था वो मैं बहुत पहले ही कंप्लीट कर चुकी थी, बट वो 1 साल के टाइमिंग में आ रहा था, तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, वरना मैं वॉच टाइम भी काफ़ी दिन पहले कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो मतलब मैंने कहा 1 सब्सक्राइबर से शुरू किया था, और आज 2000 लोग जुड़ गए हैं मेरे साथ, और मुझे तो ये पता भी नहीं, मैं अपनी लाइफ में भी 2000 लोगों को जानती होंगी, क्योंकि मैं बहुत कम इंटरेक्ट करती हूँ लोगों से, बहुत ज़्यादा बातचीत करना या अपने पास रखना वो चीज़ मुझे इतनी पसंद नहीं थी, और आज 2000 लोग मेरे साथ कनेक्ट हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये जो कामयाबी मैंने अचीव की है, ये अचीव करी है कुछ 2-3 महीनों के अंदर ही, क्योंकि मेरे चैनल को लगभग 2 साल हो गए हैं, बट 1 साल मैंने उस पर कोई खास वर्क नहीं किया। मुझे पता है जब मेरे चैनल को पूरा 1 साल हुआ था, तब भी शायद उस पर 200-300 सब्सक्राइबर थे मे बी, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे, बट हाँ कुछ टाइम से मैंने बहुत अच्छे से अपने चैनल को फॉलोअप किया, और उसके बाद ये हुआ कि कुछ ही दिनों में तो मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया। अब आप देखिए, मैं 20-20 दिन भी कभी कभी वीडियो मेरी नहीं डलती है, बट मेरे सब्सक्राइबर नहीं टूटते हैं, वो बढ़ते ही रहते हैं।
कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है, जो मैं समझ रही हूँ कि मुझे उन पर और वीडियो लानी चाहिए, और मैं जल्दी लेकर आऊंगी। मेरी जो रिसर्च है वो जारी है, और मतलब बहुत ज्यादा खुशी है मुझे कि मैंने 2000 लोगों को अपने साथ कनेक्ट किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अगर मेरे पास पूरा टाइम होता कि मैं पूरा टाइम यूट्यूब को दे पाती तो शायद आज बहुत ज्यादा आगे भी होती। बट मैंने उसके साथ अपनी जॉब भी करी है, अपने घर के काम भी करे हैं, खाना पीना, मतलब ओवरऑल मैंने सब खुद किया। और लोगों को ऐसा लगता है कि टीचर को कुछ नहीं करना होता, कभी हमें भी ऐसा ही लगता था, बट अब मैं जाती हूँ तो मैं बोल सकती हूँ जिन लोगों को ये लगता है ना कि टीचर को कुछ नहीं करना पड़ता, प्लीज एक बार स्कूल जाइए, पढ़ाइए, पेपर वर्क कीजिए, सालों की चालाकी निकल जाएगी। तो ये मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है जिस वक्त घर पे आते हैं ना, बहुत ज्यादा माइंड घुमा हुआ होता है, और कहने को अब बच्चे नहीं आते, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, बट इतना ज्यादा प्रेशर में कब वर्क होता है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा पेपर वर्क हो जाता है। और बस तो वो चीज़ चलो अलग है, बट हाँ मैंने ये है कि मैंने अपनी जॉब भी अच्छे से करी, सब काम एडजस्ट किए, यूट्यूब करा जो जो मेरा पैशन था। बहुत से लोगों ने मुझे पीछे खींचने की भी कोशिश करी, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, मेरी वीडियो देख के सब समझ जाते हैं मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। तो मैं उनको बता दूँ, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मैं अपनी जॉब छोड़ सकती हूँ बट मैं यूट्यूब नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है, कुछ भी समझ लीजिए, सब कुछ है। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरी वीडियो ना देखें, क्योंकि मैं किसी को फोर्स नहीं करती कि आप लोग मेरी वीडियो देखो, जिसे जरूरत है देखे, जिसे इंजॉय आ रहा है देखे, वरना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इतना इंसिस्ट किसी को नहीं करती कि आप मेरी वीडियो को देखो। और दूसरी बात कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम तो है ही, और वो चाहते हैं कि इस चीज को लेकर मेरे घर में भी प्रॉब्लम हो। तो मैं बता दूं आपको, मेरी मर्जी और मेरे हस्बैंड की मर्जी, इन दो के अलावा मैं तीसरी किसी की नहीं सुनती हूँ, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे वो बुरी बात हो। हम दोनों ही डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, अब तक ऐसा होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। अगर किसी तीसरे को कोई भी गलतफहमी है कि उनके घर में इंटरफेयर करने से या कुछ करने से मैं कुछ चीजों को रोकूंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और मेरे चैनल पर आप लोग मेरी वीडियोस देखने आते हो, मेरे व्लॉग्स देखने आते हो, उसके अलावा बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ मेरे चैनल पर नेगेटिव लोग हैं, कुछ नहीं वैसे काफी सारे भी हैं जिनके कुछ बातें सेम रहती हैं, तो उनको मैं इग्नोर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तो देखा है कि इतने बड़े बड़े चैनल होते हैं, उन पर बहुत सारे नेगेटिव लोग भी होते हैं, तो ये थोड़ी सी नॉर्मल चीज़ है। तो मतलब मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को कि मेरी खुशी कितनी है। तो जो भी नया चैनल शुरू करने वाला है, तो अगर वो ये सोचता है ना कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। अपना चैनल स्टार्ट कीजिए, वीडियोस बनाना शुरू कीजिए। मैं बोलूँगी कि एक दिन में तो सक्सेस देखो किसी को नहीं मिलती, हाँ कुछ उन लोगों को मिल जाती है जो मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को लो दिखाते हैं यूट्यूब पे, कुछ होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि सब दिखाते ही हैं, बट बहुतों को लगता है कि इस तरीके से ही यूट्यूब पर आप कुछ अचीव कर लोगे। बट इंटरेस्ट की बात है, कितने सारे चैनल ऐसे हैं जो बड़े हैं, मैं भी उनको नहीं देखती हूँ, कितने सारे छोटे चैनल ऐसे हैं जिनको मैं डेली फॉलो भी करती हूँ। तो ये है, तो अगर आपका मन है कि यूट्यूब की वीडियो बनाएं, तो आप शुरू कीजिए, प्लीज़ आज से ही शुरू कीजिए, किसी की मत सोचिए, जो आपका मन है आप वो करिए। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने आप को आगे लाने का, और गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छा है, हाउसवाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है, वर्किंग के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप रेगुलर बेस पर काम करो, और इसमें आप बहुत फ्रीली होके काम कर लेते हो। बट हाँ, थोड़ा सा आपको ये हो जाता है कि जहाँ स्टार्टिंग करते हो ना वैसे बने रहो, अगर हफ्ते में एक वीडियो डाल रहे हो तो एक डाल दो, क्योंकि मैं भी कई बार कह सकती हूँ कि अगर मैं 20-25 दिन वीडियो नहीं डालती तो सच में मैं कैमरे को फेस नहीं कर पाती, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मुझे याद है जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए थे, तो उसके बाद अगली वीडियो भी मुझ पर नहीं बन रही थी, मतलब मैं कांप सी रही थी, बोला नहीं जा रहा था कि मैं क्या बोलूँ, मतलब इतना मेरे पे प्रेशर आ गया था कि अब 1000 लोग देखेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब तो 2000 लोग मेरे साथ जुड़ गए, मुझे पता है 2000 लोग बहुत जल्दी 2 लाख बन जाएंगे, और जिस दिन मेरा चैनल मोनिटाइज हो जाएगा, जैसे मेरा चैनल अब कुछ ही दिन में रिव्यू में जाने वाला है, जैसे ही वो मोनिटाइज होता है तो मैं एक पार्टी करूंगी अपने घर में, मुझे पता है अरुण पार्टी करेंगे, और उस पार्टी का व्लॉग भी बहुत जल्दी आप लोगों के पास आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि उस पार्टी का व्लॉग देखो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, उस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो
ये मेरी खुशी जाहिर करने का एक तरीका था। मे बी अब मैं रेगुलर वीडियो करूं, क्योंकि जो जो काम है वो मैं एडजस्ट कर रही हूं, तो यूट्यूब पे मैं रेगुलर आऊंगी अब। काफी कुछ देखने को मिलेगा अब आपको। और तो चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो, मुझसे जुड़े रहते हो और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मुझसे कुछ भी पूछते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी कुछ दिन से मेरी एक वीडियो बहुत ज्यादा चल रही है मेरे दोनों चैनल पर। और मैं आपको बताना भूल गई, जो मेरा दूसरा चैनल है लेट्स टॉक, उस पर मैंने लास्ट वीडियो जून में डाली थी, और मे बी वो कुछ दिन में मोनिटाइज हो जाएगा। वो उसमें मेरी दो वीडियो ने वो कमाल कर दिया, जो कितनी कितनी वीडियो नहीं कर पाती। तो ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों से अपनी खुशी बांटना चाहती थी। तो फाइनली आज मैंने कितने दिनों बाद आप लोगों से बात करी और कितने दिनों बाद मैंने वीडियो बनाई। आप लोगों को कुछ भी पूछना है चैनल क्रिएट करने को लेकर, उसको कैसे आगे बढ़ा, क्योंकि मैं नहीं कहूंगी मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ, बट मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, तो वो चीज सीख सीख के मैं आगे गई। मैंने यूट्यूब पे कभी डायरेक्ट वीडियो डालनी शुरू नहीं करी, पहले बहुत सर्च किया था, बहुत ज्यादा रिसर्च करी थी, उसके बाद मैंने अपना चैनल क्रिएट करा था और काम करना शुरू करा था। ठीक है, ये नहीं सोचा कि मैं ये कैसे करूंगी वो कैसे करूंगी, तो बहुत सारी चीजें हैं यूट्यूब पे। बट हाँ, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आसपास की सोचोगे, लोगों की सोचोगे तो यूट्यूब पे कभी नहीं आ पाओगे, क्योंकि ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां अगर दो लोग आपका सपोर्ट करते हैं तो 200 लोग आपको पीछे खींचते हैं। ये सबके साथ होता है, तो आपके साथ भी होगा। ठीक है, तो ये मेरी खुशी वाली वीडियो थी। तो लास्ट में मम्मी हैप्पी बर्थडे, और तुम जियो हजारों साल, जो भी वो गाना होता है। मेरी मम्मी बहुत प्यारी है, बहुत सपोर्टिव है, मैं तो बोलूंगी कि हर किसी को ऐसी मम्मी मिले, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, और उनकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। सोचा तो था बट कोई नहीं ले सकता। तो मम्मी आई लव यू, और मैं मेरी मम्मी जैसी दिखती हूँ, वैसे सब ये कहते हैं। और मम्मी मतलब मेरी बहुत अलग सी हैं, सबकी हेल्प करती हैं, सबको बहुत प्यार करती हैं। जैसे कुछ लोग कहते थे ना, मैंने कुछ लोगों के मुझे सुना था, मम्मियाँ बहुत अच्छी होती हैं, तो वो ऐसी हैं, वो बहुत अच्छी हैं। और आप लोगों ने मेरे कई व्लॉग में देखा भी होगा और उनकी स्वीटनेस क्यूटनेस सब। तो चलिए, मैं वीडियो को एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है और उनके साथ आने वाला है। ठीक है, संडे व्लॉग आप लोगों को मिलेगा। बाय बाय।